अस्सलाम वालेकुम। आज आए हैं जी रोहतास फोर्ट, ये हवेली मान सिंह रानी महल। ये है जी रानी महल और ये है हवेली मान सिंह किला रोहतास फोर्ट। एरिया वह ऊपर आए हैं रानी महल के पास, ये जगह बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। ये किले की फसीलें हैं, कुछ फसीलें यहाँ पे गिर चुकी हैं, ये जूम करके बताते हैं आपको। कुछ अभी भी कायम दायम है। ये वो किले के अंदर सारा गांव मौजूद है। ये है जी रानी महल। टोटल ओल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा इसका, इसकी दीवारें बता रही हैं। ये अंदर से है जी रानी महल। ये रानी महल के बाहर का नज़ारा, किले की वसीले और गांव। ये किसी ज़माने में सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो अब टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इसमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, बहुत बुरे हालात हैं इसके। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे। वो हवेली मान सिंह ये भी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। ओपन एयर बैठने की जगह थी कोई। ये जी यहाँ पे देखें काबली गेट, बादशाही मॉस्क, बादशाही गेट, रानी महल, हवेली मान सिंह, ये बोर्ड लगे हुए हैं साइड पे। और अब हम जा रहे हैं हवेली मान सिंह। ये जी हवेली मान सिंह का बोर्ड और ये इसकी हिस्ट्री। काफ़ी हस्ता हालत हो चुकी है इसकी भी। ये इसकी बैरूनी दीवारों के कुछ मनाजर हैं।
अब देखिए बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। हमें अभी आपको ऊपर से भी जाके इसका व्यू दिखाएंगे, पहले आपको नीचे से दिखाते हैं। ये चढ़ावा करने के लिए बने हुए थे, ये हवेली महान सिंह का नीचे वाला हिस्सा है। अभी हम आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, इसके नीचे वाला हिस्सा। बहुत हंसता हालत गया। ये ऊपर हवेली महान सिंह के जाने का रास्ता है, अभी हम ऊपर लेके जाएंगे आप। ये जी सीढ़ी हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं हवेली महान सिंह। इसकी एंट्रेंस काफी दराड़े पड़ चुकी हैं जी इस पे। ये हवेली महान सिंह के बैग अभी हुआ है। वो रानी की महल का जो उस पर हम अभी गए थे, उस पर मान सिंह की वैली के पास आए हुए हैं। ये दूसरा व्यू है, अभी आपको ये व्यू दिखाया हमने, अभी हमको ये व्यू चेक करवाते हैं। वो सामने पांसी घाट है, अभी हम उधर जाएंगे। ये किले की फजीलें हैं। ये हम बाहर से आए हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है। हवेली महान सिंह से नीचे आ गए, अब हम फांसी घाट की तरफ जाने लगे हैं। ये किले की फसीलें, बहुत प्यारा व्यू है आज, मौसम बहुत प्यारा है। काफ़ी मुश्किल रास्ता है जी, अगर आप आएंगे बारिशों की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया। ये जी पांसी घाट, ये फांसी घाट और ये फांसी घाट की सीढ़ियाँ, ये बेवनी दर दरवाजे। ये चेक करें जी, ओल्ड कंस्ट्रक्शन सारी बनी हुई है।
ये सीढ़ियाँ जो हम चढ़ गए हैं अभी, ये फांसी घाट का दरवाज़ा, फांसी घाट के अंदर चलते हैं जी। ये वो जगह जहाँ से जब किसी इंसान को फांसी दी जाती थी तो उसको यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था। और इस कमरे के अंदर कुछ कहते हैं कि 2 से 3 शेर थे, कुछ कहते हैं कि शेर था जो इंसान को खा जाता था। और ये बाहर लोहे का दरवाज़ा मजबूत। को बंद कर दिया जाता था और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, ये हम सीढ़ियाँ ऊपर आए हैं और ये आगे सीढ़ियाँ, ये किले की सील। और ये वो जगह जहाँ से इंसान को नीचे फेंका जाता था। ये किले की सील है। ये नेचुरल ब्यूटी चेक करें जी, बहुत प्यारा सीन है। ये जूम करके बताते हैं आपको, ये यहाँ पे एक दरिया भी गुजर रहा है, ये पहाड़ी सिलसिला वो टिल्ला जोगिंग की पहाड़ियाँ। ये फांसी गेट और ये किले की फसील और यहाँ से ये पहाड़ी सिलसिला, जंगल है पूरा और पहाड़ी सिलसिला है, काफ़ी गहराई है इसके नीचे। ये जी फांसी घाट, उसका गेट, पका हुआ व्यू दिखाया, किले की फसीलों की साइड से आपको व्यू दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं आगे दूसरी तरफ किले के। किला रोहतास खूबसूरती है, ये फसीलें हैं साथ।